चोर गलिया अपनी आंटी के घर में। प्रियांशु को एक्चुअली देखती थी पहले से, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो रास्ता है गोलापार जाने का वहाँ पर रुक गए हैं। हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है, इसलिए देखिए गाड़ियों को रोका गया था और अब इसको गाड़ियों को पास ले दिया गया है। देखिए किस प्रकार से पुलिस लगी हुई है यहाँ पर, प्रशासन लगा हुआ है सुरक्षा के लिए। पढ़ाने आता था वर्षो कॉलेज में और साइकिल से आता था। सर 2001 की बात है, आज मतलब पक्की सड़क बन गई है, आस पास अच्छी जो है हरी बस्ती भी हो गई है और बसावट भी है यहाँ पर लोग रहने लगे हैं। पहले यहाँ आने में रात को और शाम को जो है लोग घबराते थे क्योंकि यहाँ लूटपाट वगैरह भी होती थी, यहाँ से ये इलाका बड़ा लग रही है। हमारे ऑटो वाले भैया इतने अच्छे हैं, कहीं भी स्लो कर ही नहीं रहे वो। हम रामबाग पहुंच चुके हैं, शायद भगवान राम का बगीचा होगा ये, इसीलिए इसका नाम रामबाग है। चोर गलिया 17 किलोमीटर हुए यहाँ से और बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चे ये हमारे बच्चों की आंटी हैं, बच्चे अपनी बातों में मस्त हैं बच्चे। ये है यहाँ चोर गलिया का बहुत अच्छा चौराहे पर कांट बाट चौराहे से अंदर हम जाएंगे और यहीं से रास्ता स्टार्ट किया है। जगह जगह प्रशासन का काम दिखाई दे रहा है, सामने टूटी हुई जगह जगह पर रास्ता आना मुश्किल हो गया था, इतने गड्ढे हैं सीएसटी रास्तों में बहुत सारा। और फाइनली खस्ती का मायका आने वाला है, इतनी दूर रहती हो लग रहा है आपको यहाँ के आके रास्ता हम पहुँचने वाले हैं हमारी आंटी। और हम फाइनली पहुंच गए हैं जानकी आंटी के घर पे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा गांव जैसा। दिव्यांश तो एक्साइटेड है, बार बार कह रहा है गांव में आ गए गांव में आ गए। अरे यहाँ से आ ही जाऊंगी, लेकिन नहीं ये हमारी जानकी आंटी भाई देखो। प्रियांशु नमस्ते करो, नमस्ते करो पहले, नमस्ते जाओ जाओ फिर आओ अंदर आ जाओ। कैसे हमारा नाम पता चला? अच्छा नमस्कार आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते जी। तरह बेटा इतनी सीधे पता है कितने से? कितने से कैसे पकड़ रखती थी मैं, ऐसे दबा के रखती थी ऐसे करके पता है।
पकड़ने में एक बार गिर भी गए थे। हाँ, कुर्सी टूट गया था फिर भी प्रियांशु को ऐसे पकड़ा मैंने। पता है प्रियांशु इतनी बड़े होते पकड़ती मैं। आंटी की रसोई। अरे यार कितना बढ़िया मजा आ गया। तो गांव का ऐसा ये देखो रसोई को देखे तो हमारे पास भी है। अच्छा ये वही वाला बक्सा है। हाँ ये धुआं से ऐसा हो गया। और हमने तो काजू डाल के मैं लकड़ियों में सांप तो नहीं है। नहीं बाबू अरे मम्मी हमारे लिए कुछ लाएगी। अच्छा इसको देख के तो मेरे को अपनी दादी के गांव की ऐसी याद आ गई। चूल्हा देख के बनाते हैं बच्चों से कब से कह रहे हैं कर दो करके। इसको लीपते भी हैं और कटवाया है इसने भैया ने भी। क्या बना रहे हो? सूजी फूट रहे हो? हाँ। प्रसाद की तैयारी हो रही है। भाभी बना रही है प्रसाद। बना रहे हैं। शादी की तैयारी हो रही है मम्मा। शादी की तैयारी नहीं, पूजा की तैयारी। शाम पूजा की तैयारी। हम भी आ गए पूजा में। इनवाइट हो गए हम भी बिना इनविटेशन के। क्या बिना इनविटेशन के तो होते हैं पूजा में तो। रसोई भी बहुत अच्छी है। भारत देखो ऐसे गांव की रसोई होती है ना पूरा इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो बहुत ही मजा आ गया। लकड़ी पे चट्टा लगाया था मैंने सब जला दिया। दिव्यांशन अपनी आंटी के कान में खुसफुसा रहा है। दिव्यांश चीटी मारने लग गया। हमारी नहीं यार मार ही दिया। पंडित होके ऐसा काम करते हो मारने मुदने का काम। आज चप्पल बन गया ना। ये देखिए छोटे छोटे बैगन लगे हुए हैं यहाँ पे। अभी ना तुम से वहाँ से फोन करवाना। भिंडी भी लगी है यहाँ पे भाई। पापड़ के पत्ते भिंडी मत तोड़ मनीष। भिंडी मत तोड़ो पापड़ के पत्ते। बहुत अच्छा लगता है गांव का जीवन। क्या देखनी है बुकरियाँ? एक ही गावा कितना अच्छा। ये तोड़ दो। प्रियांशी को बुकरियाँ देखनी है। बुकरियाँ देखने जा रहे हैं। कहाँ है बुकरी? वो है बुकरी। वो देखो छोटी सी बकरी है जिसे प्रियांशी को बहुत अच्छा लगा। प्रियांशी को बकरी देख के बिल्कुल प्रियांशी ऐसी बकरी है। प्रियांशी तेरी ऐसी लग रही है ना वाइट वाइट। चलो देखने चलते हैं। अब बकरी देखने जा रहे हैं बच्चे। हम भी जाते हैं बकरी देखने के लिए। ये देखो बकरी और यहाँ देखो गाय भी है। यहाँ पे गाय भी है और बकरी भी है। छूके देखो गाय बकरी को छूने का मन कर रहा है प्रियांशी का। प्रियांशी छू लो। नहीं नहीं मैं आंटी हमारी जान के आंटी की तो हमें बहुत याद आती है। सब लोग बाय बाय कर दो। बाय बाय। तुमसे तो कल ही मिलेंगे।
बाय मनीष, बाय करो मनीष। कौन सी क्लास में मनीष क्या पढ़ेगा, पढ़ाई करेगा? हाँ, कौन सी क्लास में एडमिशन लेगा? पक्का वादा कर ले, हाई फाई कर ले दूर से। हाँ मजा आ गया। ठीक है अंकल जी, ठीक है तुम भी कुछ करो आगे। ओके, अब लोग जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। काम मत कराना उसको, उसको रोजगार मत कराना। मैं तो मना कर रही हूं उससे, वो क्या करेगा, छोटा करके अभी कमाएगा ना, अभी बाद में उसके अच्छे आते हैं, पैसे भी काट देगा। चलो टाटा बाय बाय सब। मेरे रास्ते से ऐसा चिप्स लेना। अच्छा चलो सबको बाय बाय कर दो, सब जा रहे हैं। बोलना बाय बाय। ब्यूटी पार्लर वाले भैया बेचारे इंतजार करते